Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. Please watch the video carefully and do practice all the questions at your home. Now we will start chapter number 3, decimals, exercise 3.2. Question number 1, find the product. Product find karna hai, matlab multiply karna hai. ठीक है, ये जो multiplication होती है, ये हमें हमेशा side में करके देखनी चाहिए, side में हमें margin बनानी चाहिए. ठीक है, वहीं पे multiplication करनी चाहिए और उसके बाद answer हमें यहाँ लिखना चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 94.611. ठीक है, थोड़ा खुला लिखना होता है ताकि इजिली हम कैलकुलेट कर पाएँ. 1 6 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली नंबर एग्जैक्ट नंबर आता है. 1 6 6, 1 4 4, 1 9 9. पॉइंट हम बाद में लगाएंगे जब आंसर आ जाएगा. 1 6 जा, देखो ये हमने 1 6 6 कर लिया ना, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे. आप अभी नेक्स्ट इसकी टर्न है. 1 6 6, 1 4 4, 1 9 9. क्या करेंगे, प्लस. ठीक ठीक है, 6 का 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 9 प्लस 1 10, कितना आया आपका. ठीक है, जो आंसर आया, अब हम देखेंगे पॉइंट कितनी डिजिट के बाद था. यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट था. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा. तो आपका आंसर हुआ 1040.6. ठीक है, सेकंड उसको भी हम यहीं साइड में सॉल्व करेंगे. 13.459 × 7. टेबल पढ़ेंगे, 7 9 जो कितना होता है 63, 7 5 जो 35, 35 + 6 41, 7 4 जा 28, 28 में 4 प्लस करिए 32, 7 3 जा 21, 21 + 3 24, 7 1 जा 7, 7 + 2 9. ये आंसर आया. आप देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, 1 2 3. तो आंसर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगेगा. आपका आंसर हो गया 94.213. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 से. ठीक है, और लास्ट में जीरो लगा सकते हो. जैसे कि इस डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 14007. जब आप 14 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा ना. तो हम इस पूरी डिजिट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा. लास्ट में 0 का 0 लगा दीजिए. कितनी डिजिट के बाद 0 है, 1 2 3. सॉरी, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3. 3 डिजिट के बाद है तो आप 3 डिजिट के बाद 0 लगा दीजिए, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए. क्लियर है. नेक्स्ट बी पार्ट सेम वैसे ही होगा. आप चाहो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन जो 10, 100, 1000 या 10,000 में जो नंबर होते हैं ना, उनको हम इजिली इसी फॉर्म में कर सकते हैं इसी तरह से, ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए. ठीक है, आप इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा, 24795. ठीक, पीछे 20 हैं, आप 20 लगा दीजिए. क्लियर है. अब क्या करेंगे आप लोग, क्या करोगे आप, पॉइंट देखोगे. 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3. तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए आप. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सेम ये भी यही होगा. इस पूरे डिजिट को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4736. कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4. कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद है ना, एक डिजिट के बाद है, तो एक यहाँ पे पॉइंट लगेगा. आंसर हो जाएगा आपका 4736123. क्लियर है. नेक्स्ट आप इसको देखेंगे, देखो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 9. कितने जीरो है पीछे, 1 2 3, 1 2 3. ठीक है, 9 के आगे क्यों कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 नहीं लगाया. लेकिन डॉट कितनी डिजिट के बाद है, ठीक है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डॉट है ना, तो आप 1 2 3 यहाँ पे डॉट लगाएंगे. आंसर इसका 9 भी हो सकता है और 9.000. क्लियर है. बात नंबर 3 है आपका, इसको आप साइड में भी सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो. वैसे साइड में करोगे तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हो आप डायरेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको. क्या दिया है, 23.2. ठीक है, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे पॉइंट आप लास्ट में लगा सकते हैं.
196। पॉइंट लगा के कन्फ्यूज हो जाएंगे, पॉइंट मत लगाइएगा आप लोग, ठीक है। एक मिनट, अब क्लियर हो गया आपको स्क्रीन, ठीक है। 6 2 जा 12, ठीक है। 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19। 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13। 6 हो गया ना कंप्लीट, यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। 9 2 जा 18, 1 यहाँ पे साइड में रख लीजिए अपने पास या माइंड में रख लीजिए, ठीक है। 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28, 2 यहाँ साइड में रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप 8 लिख लीजिए। 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 20, ये भी हो गया 9, यहाँ 2 क्रॉस कर दीजिए नीचे। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, ऐड कर लीजिए इसे, ठीक है। ऐड करने पे आपका आंसर आएगा कितना आएगा, ठीक है, 8 8 16 और 1 17। ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है आप ये देखेंगे, कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, देखिए यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3, 3 डिजिट हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3। तो आपका आंसर हो गया बेटा 45.472, क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, 9.46, सॉरी पॉइंट मत लगाइएगा, पॉइंट आप बाद में लगा लीजिएगा, ठीक है। 6 8 6 कितना होता है, 48, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, 8 9 जा 72, 72 में 3 प्लस करिए, ठीक है, क्रॉस कर दिए क्योंकि 8 कंप्लीट। आप 1 देखेंगे, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, क्रॉस। 0 6 जा 0, 0 4 जा 0, 0 9 जा 0। ध्यान रखिएगा कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। कितना आएगा देखिए, 17 28। तो क्या करोगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब टोटल हो गए 4 डिजिट, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आएगा। तो आपका आंसर हो गया 1.7028। या क्वेश्चन नंबर 5th, इवेल्युएट करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। पहले आप 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1.1 मल्टीप्लाई 2.2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। आंसर आ गया आपका 242, क्लियर है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये लिखिए 242 मल्टीप्लाई 02, पॉइंट आप बाद में लगाइएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 0 2 जा 0, 0 4 जा 0, 0 2 जा 0, कितना आएगा 0 4 8 4। कितने के बाद पॉइंट है देखो, हर डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो आंसर हो गया आपका 0.484, ये आपका आंसर है, क्लियर है। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज, 1 मीटर अगर मैं कपड़ा लूँगी तो उसकी कॉस्ट है ₹150.50, ठीक है। लेकिन अगर मैं 14.25 मीटर अगर मैं कपड़ा लेती हूँ तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो हम कैसे लिखेंगे उसे, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ कितना है आपका 150.50, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 14.25 मीटर, अगर मैं 14.25 मीटर कपड़ा लेती हूँ तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 150.50 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14.25 को, ठीक है,
मीटर लगा लीजिएगा, यूनिट लगती है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई आप खुद से करके देख लीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा 2144.625। मल्टीप्लाई आप खुद से करके देख लीजिएगा, ठीक है, और करना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 7, वन बैग कंटेन्स, एक बैग में 85.25 केजी ऑफ शुगर है, ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ द शुगर इन 29 सच बैग। अगर एक बैग में 85.25 केजी शुगर है तो 29 बैग में कितनी होगी, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट, वन बैग कंटेन शुगर 85.25 केजी, ठीक है, और क्या बताना है, द वेट ऑफ शुगर इन 29 सच बैग्स, कितना वेट होगा अगर 29 बैग का है, तो आप क्या करेंगे, 85.25 केजी में आप मल्टीप्लाई करोगे 29 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप मुझे आंसर बताओ कितना आया। आंसर आएगा 2472.25 केजी। ओके, कैलकुलेट आप खुद से करेंगे। योर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड हुज डायमेंशंस आर 352.85 मीटर बाय 155.25 मीटर। आपको प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है, तो अब यहाँ लिखोगे एरिया इक्वल टू एल इंटू बी मीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में निकलता है, ठीक है, तो आपको लेंथ भी दी है, कितनी दी है लेंथ, 352.85 मीटर मल्टीप्लाई, वन ब्रेथ है आपकी 155.25 मीटर, ठीक है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका, बहुत बड़ा है, आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, 54779.9625 मीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ नाइस डे। डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर बुक।